गुड मॉर्निंग बच्चों, देखो आज आपके सामने ये मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के कुछ फॉर्मूले लेकर आया हूं। क्यों ले गया है, इसका रीजन क्या? जब भी मैं क्लास में जाता हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कहते सर सब कुछ तो समझ में आएगा, फॉर्मूला याद नहीं होता सर, फॉर्मूला याद करना बड़ा मुश्किल सा लगता है सर। तो आज हम आपको फॉर्मूला लिख के भी दिखा रहे हैं और आपको याद कैसे करना है वो भी बता रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और दिक्कत नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ ना, आप एक बार ध्यान से समझो इस चीज़ को, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ऐसा जो आज हम फॉर्मूला लेके, मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे हैं उसमें या तो फॉर्मूले लिख दिए गए हैं या फॉर्मूले को बता दिए गए कि ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन क्यों लगता है, कैसे लगता है, जो मैं कुछ सब बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले यदि हम टेंथ या नाइन्थ की बात करें, उसमें क्या है, पहला ही चैप्टर में क्या है, क्यू एंड क्यू वन। अब देखो आपको देखना पड़ेगा क्यूब क्या होता है, बाबू क्यूब क्या होता है, क्यूब जो है उसके सारे जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं छः स्क्वायर को एक साथ जोड़ते हैं फेस टू फेस, तो क्या बनता है हमारा क्यूब बनता है बाबू। जब एक क्यूब बनता है तो इसलिए क्या हो जाता है, सिर्फ टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड या ए ए इनटू ए मतलब ए स्क्वायर, और उसमें क्या है छः है, क्या हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर, याद हो गया, याद हो गया ना, क्या करना था फिर समझाऊं, देखो स्क्वायर से बनता है क्या क्यूब, और क्यूब में कितने फेस होते हैं छः, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, और छः फेस है तो क्या होगा सिक्स ए स्क्वायर, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। ऐसे जब हम करते हैं हम क्या कहते हैं इसको, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, चारों साइड को जैसे कमरे हैं, एक दो तीन चार दीवारें हैं, तो ये चारों दीवारों का एरिया क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा चार, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फोर ए स्क्वायर, मतलब साइड पर चार का ए चार तो आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर हो गया। और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि यदि हम किसी ऐसा बक्सा है जिसको टॉप खुला हुआ है, ऊपर से वो खुला हुआ है, जब ऊपर से खुला हुआ इसका मतलब क्या है, देखो चारों दीवार भी और एक बॉटम भी है, फ्लोर भी है, उसका छत नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, तो कितने बच गए पांच, तो क्या हो जाएगा फाइव ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा फाइव ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा साइड क्यूब या ए क्यूब या आपको पता है, कोई दिक्कत हुआ समझ में आया है ना भाई। अब हम क्या कहते हैं क्यूबॉइड की बात करें, देखो क्यूबॉइड में भी क्या होता है छह सरफेस होता है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर होता है, कैसा होता है, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें था स्क्वायर, इसमें क्या था रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ देखो एक रेक्टेंगल तो नीचे में इसमें एल इंटू बी हो गया, लेकिन इसमें भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच, इसमें हाइट भी साथ में, इस वाले में हाइट भी दे रखा है ना, तो इसीलिए रेक्टेंगल में एल इंटू बी लेते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में एक एच चला जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि ये देखो इसकी हाइट हो जाती है, ये वाली जो साइड है उसकी क्या हो जाती है हाइट हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया एल बी एल बी है ना, फिर ये बी एच बी एच, और ये एच एन एच एन, तो क्या हो गया दो बार एल बी दो बार बी एच और दो बार एच एन, दो बार लेंथ ब्रेथ, दो बार ब्रेथ हाइट और दो बार हाइट और लेंथ, इसीलिए फॉर्मूला क्या हो गया टू एल बी बी एच प्लस एच एन, समझ रहे दो दो बार एल बी एल बी बी एच बी एच और एच एन एच एन, समझ आ गया ना। अब देखो फोर जब लेंगे चार लेंगे तो क्या होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा टू एल प्लस बी इंटू एच, क्योंकि देखो हम जब एल एस एल एस इलेक्ट्रो सरफेस की बात करते हैं तो देखो चारों में हाइट है, हम दीवार की बात करते हैं घर की दीवार, एक दीवार दो दीवार तीन दीवार चार दीवार, चारों दीवार है, अब चारों दीवारों में क्या हाइट तो है, तो हाइट क्या हो गया कॉमन आ गया, हाइट हो गया कॉमन, और दो बार लेंथ है दो बार ब्रेथ है, तो क्या हो गया टू एल प्लस बी इंटू एच, समझ में आया, समझ गया भाई। अब क्या कहते हैं हमें एरिया ऑफ फाइव वॉल, सिंपल सी बात है भाई, जो हमारे पास फोर वॉल है तो उसमें एक वॉल और जोड़ देंगे ना, एक वॉल और जोड़ देंगे हो गया फाइव वॉल, क्या हो जाएगा टू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी, याद करना है क्या नहीं ना, समझना है, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, होपिंग क्या आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ रही होगी, और बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ बेटा, जब भी कोई दिक्कत हो तो एक बार इस फॉर्मूले को देख लेना वीडियो को, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी माइंड में। अब क्या आ रहा है हमारे पास सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए मतलब जो एल एस ए होता है, इसमें क्यू और क्यू वाइड लेटरल सरफेस एरिया
वो क्या होता है इसमें सी एस एस सी एस मतलब कर्व, क्योंकि कर्व इसके जो मोड होता है क्या होता है कर्व होता है, इसलिए इसे लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। सिलेंडर को देखो भाई है ना, ये चूंकि कर्व है इसलिए क्या है पाई आर, और ये इसकी हाइट है इसलिए एच, और दो बार 2 पाई आर एच क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया 2 पाई एच। कर्व सरफेस का मतलब क्या है, ये कुछ इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको लिखना लेना है केवल इसको ले, ठीक है ऊपर वाला भी छोड़ देना नीचे वाला भी छोड़ देना है। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं तो इसको भी ले लेते हैं और इसको भी ले लेते क्या होगा देखो कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच और इससे ये तो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और ये भी एक सर्कल है तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ दो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, और देखो पाई आर और 2 कॉमन आ गया 2 पाई आर कॉमन आ गया, क्या बच गया इसमें एच बच गया और प्लस आर बच गया। तुम पेपर में ऐसे भी कर लो क्या फर्क पड़ रहा है, तो फॉर्मूला हमारा बन गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, क्यों क्योंकि इसमें पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर क्या हो गया जुड़ गया। समझ में आ रहा है सबको, चलिए अब क्या हमारे पास सरफेस एरिया व्हेन वन टैप वन टॉप इज ओपन, जब यहां से खुला जैसा क्वेश्चन आया एनसीईआरटी में पेन होल्डर रखेंगे तो भाई ऊपर से खुला रखते तो पेन ना खुले ना देख लो पेन का, तो इसको क्या करेगा इसका एक पार्ट ओपन है क्या करेंगे एक एक क्यों नहीं पाया ना इसका है भाई यहां पे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो गया प्लस हो गया, जब प्लस हो जाएगा तो फिर कॉमन ले लो इसमें से पाई आर इधर भी है पाई आर इधर भी है पाई आर कॉमन बच गया क्या ले लिया क्या बन गया 2 एच बच गया इधर इधर आर बच गया। समझ में आ गया कोई दिक्कत है नहीं ना, तो देखो अब हम चलते हैं कुछ सिलेंडर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं हॉलो होते हैं, उसमें दो दो वॉल होते हैं एक अंदर की होता है बीच में खाली जगह फिर बाहर से एक वॉल होता है इसे हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर, इसे क्या कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। समझ गए तो अब क्या है इसमें देखो इसकी थिकनेस इसकी मोटाई ये वाला मोटाई निकालना है क्या करेंगे बड़का आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर में से स्मॉल आर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे हमें क्या निकल जाएगा इसका थिकनेस निकल जाएगा क्या निकल जाएगा थिकनेस निकल जाएगा। अब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया ये जो क्रॉस सेक्शन इसको कहते हैं जो कट है ये जो बीच वाला ये वाला जो बच रहा है ये देखिए इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ लो ना बस समझ में आना चाहिए बात अच्छे तरीके से। अब क्या है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, भाई इंटरनल मतलब इसके अंदर वाला ये जो भाग है इसके अंदर वाला इंटरनल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है 2 पाई आर एच जो इसमें होता है सिंपली। अब एक्सटर्नल में क्या होगा ये तो इसको छोटा आर मानते हैं और ये बाहर तक जब लेते हैं तो इसको बड़ा क्या हो जाएगा कैपिटल आर बड़ा आर मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा इन एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर क्योंकि बाहर से रेडियस क्या है बड़ा है कैपिटल आर इंटू एच एच दोनों में सेम है। और आप देखेंगे एनसीईआरटी में ना 13.2 या 3 है उसमें क्या थर्ड क्वेश्चन है पूछ रहा है ऐसे हॉलो सिलेंडर रखे पूछ रहा है उसका एरिया कितना होगा, तो उसका एरिया कुछ नहीं करना है आपको इंटरनल सरफेस एरिया एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब इस तीनों को जोड़ देंगे ना एरिया क्रॉस सेक्शन, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन दो बार एक बार एक बार हमसे दो लगा दिए और एक्सटर्नल और इंटरनल क्या करना है जोड़ देना है क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू और इसको ध्यान से देखिए और समझ में और अच्छे से आएगा। हम देखते हैं कि अगला जो हमारा है वो क्या है कोन है तो कोन पे चलते कोन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ठीक है। पहले इतने को ध्यान से देखिए गौर से इसको तो देखो बाबू अब हमारा क्या है अगला जो हमारा है वो क्या कोन है कोन का या कोन को देखो कोन इसको फिर हमको गौर से देखो देख रहे हो इसमें क्या है इसको कहते हैं स्लांट हाइट हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई और इसको बोलते हैं हाइट ऊंचाई और ये क्या होता है त्रिज्या। तो गौर से देखो बाबू ये कैसा रेक्टेंगल का लग रहा है ना ये ट्रायंगल लग रहा है इतना सारा देखो ये ट्रायंगल है बाकी तो जो बाकी जो कल की टोपी है जब बर्थडे में टोपी पहनते हो ना वही तो शंकु है बाकी ये क्या है ये ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल में भी आपको एल निकालना हो स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई निकालना तो कैसे निकालोगे तो देखो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो है पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर तो यहां तो उसको एल मान लिया है एल बराबर एल स्क्वायर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में बड़े हो गए हैं। अब यहाँ स्क्वायर का क्यूब में आ गया, एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये निकालना है कर्व सरफेस एरिया, इसका जो चार रूट जो जोकर की टोपी के चार रूट का एरिया निकालना है कितना निकलेगा, तो क्या होता है पाई आर एल, क्या हो जाता है पाई आर एल। अब इसका टोटल सरफेस एरिया देखो, कर्व से तो पाई आर एल है और इसमें इतना जोड़ दे रहे हैं, इसका भी एरिया दे, इसको भी ढक देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी ढक गया तो क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर देखो इधर भी है और पाई आर इधर भी है, तो पाई आर हमने क्या करना कॉमन ले लिया, क्या बस कह रहा है प्लस आर हो तो क्या रहा पी एस ए ऑफ कोन का एरिया, समझ में आ गया। अब क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम मतलब कुछ डालना निकालना भरना, वॉल्यूम होता है पता है ना, तो वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। अब देखो हमें पढ़ना है स्फेयर के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है स्फेयर के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है स्फेयर के बारे में, गोला कहते हैं हिंदी में इसको, देखो गोला देखा होगा बॉल देखा होगा वही स्फेयर है। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, एक स्फेयर को देखो कर्ण से कटा है क्या, नहीं कटा होगा तो इसका सी एस ए तो निकलेगा नहीं, क्या निकलेगा एक ही सरफेस एरिया निकलेगा, कौन सा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि कोई कटा होता है ना तो उसका चौड़ाई वाला भाग होता है नहीं, मतलब तो उसके लिए हम क्या करते हैं सी एस ए निकालते हैं, तो पूरा ही गोल ही है तो इसके लिए निकलेगा नहीं, तो क्या निकलेगा सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4πr², क्या हो जाएगा 4πr², और टी एस सी एस ए निकलना ही नहीं बाउंड्री को तो कटा हुआ है ही नहीं पूरा गोल है तो उस पर चर्चा ही नहीं करते। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है 4π³³। अब करते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कहेंगे तो अर्धगोला, मतलब एक गोला को बीच से काट देंगे ना क्या बन जाएगा अर्धगोला बन जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा इसमें देखो यहाँ पे क्या एक सरफेस एरिया तो हो जाएगा ये ना हो जाएगा, तो हम पहले लिखा लिखते हैं सी एस ए क्या होता है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² और ये भी तो एक सर्कल है तो सर्कल के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2πr² और 1πr² कितना हो गया 3πr² हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा क्या हो जाएगा 3πr, r मतलब रेडियस तो पता ही होगा और ये पर और याद रखना है सवाल करेंगे तो ये जो रेडियस होता है ना वो बोले की गहराई की मतलब हेमिस्फीयर की गहराई के बराबर होता है, मतलब उसकी डेप्थ के बराबर होता है। उसके बाद क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका इससे आधा कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा 2/3 और पाई आर क्यूब हो गया। अब क्या होता है कभी कभी क्या होता है हॉलो स्फीयर भी हो जाता है, हॉलो हेमिस्फीयर तो हॉलो हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा मतलब इसमें बीच से खाली है वाला पार्ट, ऐसे में क्या होता है कि इसका जो थिकनेस है इसकी मोटाई कितनी हो, तो क्या ये बाहर तक ये बड़ा वाला आर्क हो गया और ये क्या हो गया छोटे वाला आर्क हो गया यहीं तक का हो गया ये, तो ये दोनों आर्क को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा थिकनेस ऑफ स्फेरिकल सेल। देखो हमें क्या करना है अब यदि इसको एक गोला बना दे, इसको पूरा एक गोला बन जाए ऐसा गोला बन जाए ये तो क्या होगा भाई, ऐसा गोला बन जाएगा तो क्या होगा इसका जो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया होगा, तो सबसे क्या होता है 4πr² होता है ना, तो चूंकि इसमें क्या है दो आर है तो कैपिटल आर जो बाहर तक जाएगा एक्सटर्नल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4πr² और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका आर तो यहीं तक आ रहा है तो छोटा वाला आर ले लेंगे स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया बराबर 4π और स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो क्लास टेंथ में फर्स्ट टर्म भी है लेकिन इस साल फर्स्ट टर्म है नहीं सिलेबस में, तो फर्स्ट टर्म के लिए वो अगले साल एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आप उसको आराम से समझ जाए, इतने में कोई दिक्कत है आप लोगों को होना नहीं चाहिए, तो पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा और जहाँ भी लगे कि चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी एक बार और से देख जाए देखो अपने आप समझ में आ जाएगा सबको समझ में आ जाएगा है ना, तो एक बार गौर से देखिएगा समझिएगा और जहाँ दिक्कत हो तो दोबारा देखिएगा लेकिन स्किप करके मत देखिएगा बीच में, पूरी पूरी वीडियोस को साथ देखिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो भी देखिएगा और शेयर भी करेगा और थोड़ा लाइक भी करेगा ठीक है, ताकि हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले आप लोगों से, तो देखिएगा जरूर लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट भी दीजिएगा, तो थैंक यू। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।